नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ पूजा शर्मा। जो दर्शकों, क्रिकेट स्टेडियम से हम आपके साथ लाइव जुड़े हैं और बड़ी अपडेट हम आप तक टेस्ट मैच को लेकर के साझा करने वाले हैं। फिलहाल 7 मार्च से 11 मार्च तक इंडिया और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच जो है वो धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। 5 दिन का ये मैच जो है वो इधर खेला जाना है और उसको लेकर के अगर हम बात करें HPCA की, तो तमाम तैयारियां फिलहाल पूरी है। अभी आप देख सकते हैं कि जहां पर पिच है वहां पर मैट जो है वो बिछाई गई है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद यहां जो पिच है उसका भी काम जो है वो शुरू होने वाला है। ऐसे में अगर अन्य तैयारियों की बात करें तो फिलहाल पूरी तैयारियाँ HPCA द्वारा कर ली गई हैं, क्योंकि अभी हाल ही में रणजी के मैच जो है वो यहाँ पर हुए हैं और अब क्योंकि रणजी का मैच जो है वो यहाँ पर ख़त्म हुआ है और उसके बाद अब मार्च में यानी कि अगले महीने जो है वो टेस्ट मैच की यहाँ पर खेला जाना है। फिर से इंडिया और इंग्लैंड के बीच यहाँ पर मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा। चौके छक्कों की बरसात यहाँ पर रहने वाली है। इसी के साथ अगर हम बात करें टिकटों की, तो ऑनलाइन टिकट जो है वो भी मिलने जो है वो टेस्ट मैच को लेकर के शुरू हो गई है। पेटीएम पर जो है वो टिकट बिक्री जो है वो शुरू हुई है फिलहाल, और इसका जो मूल्य बताया जा रहा है 1000 से लेकर के 1200 रुपये, 2000, 2500 जो है और 10,000 जो है वो तय किया गया है। फिलहाल अगर हम 10,000 की बात करें तो ये क्लब लॉन्स और मेन पवेलियन में जो दर्शक वहाँ पर बैठकर मैच का लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो वहाँ की टिकट की अगर हम बात करें तो 10,000 टिकट का मूल्य जो है वो निर्धारित है, और क्योंकि टिकट जो है वो मिलने शुरू हो गई है। ऐसे में अब क्योंकि धर्मशाला का मौसम है और मौसम भी जो है वो कई बार साथ जो है वो नहीं देता है, हालांकि कई मैच ऐसे भी हैं जो बारिश की भेंट भी चढ़े हैं, लेकिन जब से HPCA ने खनियारा स्थित इंद्रू नाग मंदिर, जिसे बारिश का देवता जो है वो कहा जाता है, उसके दरबार जाकर के पूजा अर्चना के बाद यहाँ मैच सफल जो है वो हुए हैं, तो अब ऐसे में अगर हम 25 फरवरी की बात करें तो HPCA की टीम और IPL के चेयरमैन भी इंद्रू नाग खनियारा पूजा अर्चना करेंगे। भंडारा जो है वहाँ पर लगाया जाएगा, ताकि यहाँ पर जो टेस्ट मैच होने वाला है 7 मार्च से 11 मार्च तक जो मैच होने वाला है, उस मैच के दौरान मौसम जो है वो साथ दे और धूप यहाँ पर खिली रहे, बारिश ना हो, ताकि यहाँ स्टेडियम की अगर हम बात करें तो क्योंकि कई बार बारिश ने भी खलल जो है वो क्रिकेट मैच में डाला है। तो इसी के चलते अब HPCA जो है के पदाधिकारी और IPL चेयरमैन अरुण धूमल इंद्रू नाग मंदिर जा करके पूजा अर्चना जो है वो करने वाले हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर फिर से टेस्ट मैच को लेकर के तैयारियाँ। फिलहाल अगर हम ग्राउंड की बात करें तो देख सकते हैं वो भी पूरी तरह से, यहाँ पर अगर घास की बात करें तो देख सकते हैं अच्छी घास जो है वो इस वक्त ग्राउंड में आ चुकी है, और वही अगर बात करें पिच की, तो क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर मैट जो है यहाँ पर बिछाई गई है, और क्योंकि अब पिच का जो काम है उस पर ध्यान जो है वो रहने वाला है फिलहाल, क्योंकि जो भी इच्छुक अगर हम क्रिकेट प्रेमियों की बात करें मैच यहाँ पर देखना चाहता हो, तो वे पेटीएम पे जा कर के मैच की टिकट जो है वो बुक करवा सकता है। तो देख सकते हैं धूलाधार की इन वादियों के बीच बने इसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में फिर से चौके छक्कों की बरसात जो है वो रहने वाली है। लाइव तस्वीरें, 25,000 के करीब बैठने की कैपेसिटी जो है वो इस स्टेडियम में है, और क्योंकि अगर हम चारों तरफ की बात करें तो इस वक्त चारों तरफ इस नेट के माध्यम से, ताकि कोई अंदर ना जा पाए, नेट जो है वो लगा दी गई है। और अगर हम टूरिस्ट की बात करें तो लगातार यहाँ पर टूरिस्ट जो है वो HPCA क्रिकेट स्टेडियम को निहारने यहाँ पर पहुँच रहा है। तो लाइव तस्वीरें क्रिकेट स्टेडियम से, और यहाँ पर 7 मार्च से मैच जो है वो 11 मार्च तक रहने वाला है। क्योंकि मेन पिच का रहता है, तो 20 फरवरी से यहाँ पर पिच का काम जो है वो शुरू कर दिया जाएगा।
लाइव तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको HPCA क्रिकेट स्टेडियम से दिखा रहे हैं और अपडेट जो है आप तक साझा जो है वो मैच को लेकर के की जा रही है कि किस तरीके से तैयारियां हैं, क्योंकि हाल ही में अगर हम बात करें पिछले साल की तो वर्ल्ड कप मैच यहां पर हुए हैं, IPL यहां पर दो मैच जो है वो हुए हैं, रणजी के मैच जो कि पहली बार यहां पर रणजी के मैच भी चार मैच जो है वो यहां पर खेले गए हैं, और अब टेस्ट मैच की मेजबानी भी ये क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला जो है वो करने वाली है। 7 मार्च से 11 मार्च तक इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच अंतिम टेस्ट मैच जो है वो यहाँ पर खेला जाना है। ये जो बर्फ से लदी पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं ये पहाड़ियाँ ही इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को चार चांद जो है वो लगाती है। यही वजह है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्रिकेट प्रेमी है यहाँ पर बैठकर मैच जो है वो देखना पसंद करते हैं। लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं क्रिकेट स्टेडियम से, और जैसे कि मैंने ये कहा क्योंकि अगर अभी की बात करें तो अभी देख सकते हैं अच्छी धूप जो है वो धर्मशाला में खिली हुई है, और क्योंकि मैच के दौरान बारिश ना हो इसको लेकर के भी HPCA तमाम तैयारियों में जुटा हुआ है। मंदिर जाने की तैयारी इस वक्त HPCA की है, क्योंकि 25 तारीख को ही HPCA के पदाधिकारी और अरुण धूमल जो है वो इंद्रनाग मंदिर जाके नतमस्तक होंगे, ताकि बारिश जो है वो जो 5 दिन यहाँ पर टेस्ट मैच चलना है तो उसमें बारिश खलल ना डाले इसको लेकर के भी अब HPCA पूरी तरह से तैयार है और वहाँ पर पूजा अर्चना जो है वो करेगा। ये देख सकते हैं घास भी, अगर हम स्टेडियम अंदर की बात करें तो किस तरीके से घास भी अच्छी जो है वो इस वक्त उगी है, और यहाँ पर ही मैच जो है वो खेला जाना है। लाइव तस्वीरें क्रिकेट स्टेडियम से हम आप तक साझा कर रहे हैं। कि अगर ऑफलाइन टिकटों की बात करें तो इस बार जो है वो ऑफलाइन टिकटें भी यहाँ पर जो दर्शक मैच देखना चाहता हो उसे ऑफलाइन टिकट्स भी यहाँ पर HPCA द्वारा टिकट काउंटर पर मुहैया जो है वो करवाई जाएंगी। तो चलिए दर्शकों, आपने देखा कि किस तरीके की इस वक्त की तैयारियां हैं, क्योंकि अगर हम ग्राउंड की बात करें तो पूरी तरह से तैयार है, लेकिन अगर हम पिच की बात करते हैं तो पिच का काम जो है वो 20 फरवरी से शुरू जो है वो होगा, और इसी के साथ बात करें अन्य तैयारियों की तो फिलहाल क्योंकि यहाँ पर बैक टू बैक मैच जो है वो होते रहे हैं और यहाँ पर तमाम सारी तैयारियाँ जो है वो उस दौरान भी कर ली गई थी और कुछ एक जो बची है फिलहाल वो भी कर ली गई है। अब मात्र आप भी देख सकते हैं पिच का काम जो है वो शुरू होना है, क्योंकि पिच यहाँ पर बनाई जाएगी, और इसी के साथ मैंने पहले भी बताया क्योंकि तमाम तैयारियाँ HPCA द्वारा कर ली गई हैं, और देख सकते हैं कि ग्राउंड में किस तरीके की घास भी एक अच्छी जो है वो की है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं HPCA टेस्ट मैच को लेकर के पूरी तरह से तैयार है। अब सिर्फ देखना ये है कि जो ऑफलाइन टिकट काउंटर यहाँ पर लगेगा वो कब लगता है और
किस तरीके की व्यवस्था जो है वो HPCA द्वारा रहने वाली है। तो चलिए दर्शकों, इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही, मुझे दें इजाज़त, नमस्कार।